हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग बता दूं, आज जो सुनवाई होनी थी 16/8/2022 को मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण को लेकर, आज सुनवाई में क्या क्या हुई आइए जानते हैं। और माननीय हाईकोर्ट के द्वारा और वकीलों के द्वारा डिबेट में क्या क्या बोला गया, उसको भी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग बता दूं, इसी ओबीसी आरक्षण की वजह से मध्य प्रदेश की बहुत सारी परीक्षाएँ रुकी हुई हैं, खासकर एमपीपीएससी 2019, 2020, 2021 का रिजल्ट इसी के कारण जारी नहीं किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं माननीय हाईकोर्ट के द्वारा क्या बोला गया। आप लोग को बता दूं, ये आप लोग की नई डेट जो है क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये माननीय हाईकोर्ट के द्वारा अब नई डेट दी गई। आप लोग की सुनवाई जो होगी 22/8/2022 को की जाएगी। यह नई डेट क्यों दी गई है आइए जानते हैं। आप लोग को बता दूँ, ये नई डेट जो है इसलिए दी है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा या सरकार के द्वारा बोल सकते हैं, सरकार के द्वारा डाटा पेश किया गया है। किसका? ओबीसी का। किसका? ओबीसी का जो है किसी पेपर के माध्यम से डाटा पेश किया गया है कि मध्य प्रदेश में इतनी जनसंख्या है ओबीसी की, कितने, समथिंग 3000 पेजों का है ये जो डाटा पेश किया गया, फाइल पेश की गई है, समथिंग 3000 पेजों का। एक न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर आ रही है कि यह डाटा जो है 3000 पेजों का है। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं लगाए, बहुत सारे टिकट नहीं लगाए गए थे, एफिडेविट नहीं लगाया था, इसलिए माननीय हाईकोर्ट ने इस फाइल को लेने से इंकार कर दिया, यानी वेरीफाइड करने से इंकार कर दिया गया है। यानी माननीय हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया कि ये फाइल आप पुनः जमा करें, जिसमें ये वेरीफाइड हो गई, इसमें टिकट लगाएं और एफिडेविट लगाएं, तभी यह फाइल एक्सेप्ट की जाएगी। और माननीय हाईकोर्ट के द्वारा ये भी बोला गया, आप लोग चाह रहे थे कि इस पर सुनवाई जल्दी से हो, आप लोग सुनवाई चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, क्या इसका फैसला चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये फटकार लगाई है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी सरकार को। यानी सरकार सुनवाई इस पर जल्दी चाहती है, नहीं चाहती है, माननीय हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया है। आप लोग तो बोल रहे थे कि जल्दी सुनवाई चाहिए, तो आप लोग फाइल पेश कर रहे हैं। मैंने माननीय हाईकोर्ट बहुत द्वारा डिबेट में इसमें कहा गया है कि आप लोग तो फैसला चाहते थे, फिर यह फाइल क्यों पेश की जा रही है, ये भी बोला गया है। आप लोग क्या राय चाहते हैं? देखो, लग रहा है कि ये आप लोग का 22/8 को जो डेट गई है, लग रहा है 22/8 को भी यह सुनवाई कन्फर्म नहीं हो पाएगी। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सुनवाई होने वाली थी कि 1 घंटे रोज इस पर टाइम दिया जाएगा, ये अब ऐसा लग रहा है नहीं हो पाएगा। अब देखो, इस मंथ में जहां तक इस सुनवाई में पूरी प्रक्रिया जारी रहेगी, अब लगता है अगस्त महीने भी इसकी सुनवाई नहीं हो पाएगी, ऐसा लग रहा है। आप लोग क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। सरकार चाहती है कि नहीं चाहती है कि यह और जो ये ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है और खींचता जाएगा जब तक विधानसभा चुनाव नहीं होते हैं, ठीक है? अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। जब तक हम अपन लोग क्या करेंगे, 22/8/2022 की डेट का जरूर वेट करेंगे। अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग देखो एमपीपीएससी इसमें क्या फैसला लेता है, रिजल्ट जारी करता है नहीं करता है, अब इसको भी वेट करने वाली बात है, या कोई नोटिस जारी करता है इस पर, ठीक है? आज के बाद पता चल जाएगा।